स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16, फेमस गार्डन, प्रसिद्ध गार्डन्स, प्रसिद्ध बगीचे. देयर इज हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी एविडेंस ऑफ सम वेरी ओल्ड एंड फेमस गार्डन्स इन इंडिया. भारत में बहुत पुराने और बहुत फेमस गार्डन्स का साहित्यिक और ऐतिहासिक प्रमाण मिला है, जिनमें से कुछ तो अब हैं भी नहीं, लेकिन जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हम जानते हैं. ठीक है बच्चों, दिस गार्डन नियर द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी के पास है ये गार्डन, इज नोन फॉर इट्स वाटर पैलेसेस एंड फाउंटेन. ये अपने वाटर पैलेसेस और फाउंटेन्स के लिए जाना जाता है. तो ये कौन सा गार्डन है बच्चों? दिस गार्डन इज डीग पैलेस गार्डन. ओके, डीग पैलेस गार्डन. दिस मुगल गार्डन इन कश्मीर, कश्मीर में ये जो मुगल गार्डन है इज क्रिएटेड टू शाहजहां एंड टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द माउंटेन स्प्रिंग दैट वाटर्स इट. और इसे नाम मिला था वहाँ से, उस माउंटेन स्प्रिंग से जो इसे पानी देता है. तो इस गार्डन का नाम था चश्मा शाही. इस गार्डन का नाम था चश्मा शाही. आगे चलते हैं. प्लान्ड बाय एम्परर जहांगीर, एम्परर जहांगीर ने इसे प्लान किया था एंड हिज कॉन्सर्ट नूरजहां. दिस ब्यूटिफुल गार्डन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक इन श्रीनगर. श्रीनगर की डल लेक के किनारे ये बहुत सुंदर बागीचा बना हुआ है. तो ये है शालीमार बाग. ओके, इसे कहा जाता है शालीमार बाग. दिस गार्डन ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना के किनारे ये गार्डन बना हुआ है, इज अ क्लासिक टॉम गार्डन. ये एक क्लासिक टॉम गार्डन है विथ स्टोन एज्ड फ्लावर बेड्स इन द लॉन्स, जिसमें ऐसे लगता है लॉन में जाकर के एक फ्लावर्स का बेड बिछा हुआ हो, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं. तो इस गार्डन का नाम है इत्माद उद दौला टॉम. इत्माद उद दौला टॉम. तो इस गार्डन का नाम है इत्माद उद दौला टॉम. और ये सब आप बच्चों लर्न करेंगे. तो चलिए हम आगे चलते हैं. यस, कंसिडर्ड टू बी एशियाज लार्जेस्ट गार्डन, इसे एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कहा जाता है. स्प्रेड ओवर 30 acres, ये 30 acres जमीन में फैला हुआ है. इट हैज़ मोर देन 1600 वेराइटीज ऑफ रोजेज इन इट. इसके अंदर 1600 वेराइटीज के गुलाब हैं. ओके, इट इज़ सिचुएटेड इन चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ में सिचुएटेड है. इस गार्डन को कहा जाता है बच्चों रोज गार्डन. जाकिर हुसैन रोज गार्डन, इसे कहा जाता है जाकिर हुसैन रोज गार्डन. यहाँ पर 1600 तरह के आपको गुलाब मिलेंगे जो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में. दिस गार्डन इन राष्ट्रपति भवन, ये गार्डन राष्ट्रपति भवन में है. इसे डिजाइन किया था एडविन ल्यूटियंस ने. इज अ ब्यूटिफुल 20th century अडेप्टेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मुगल टेस्ट. ये ट्रेडिशनल मुगल टेस्ट की एक बहुत सुंदर रचना है और 20वीं सदी की एक रचना है जिसे डिज़ाइन किया था एडविन ल्यूटियंस ने. तो इसे कहते हैं हम अमृत उद्यान. इसे कहते हैं अमृत उद्यान.
दिस पैलेस गार्डन इन जोधपुर, ये जोधपुर में डिजाइन किया गया था। किसने डिजाइन किया था इसे? हेनरी लैंचेस्टर ने। इसे डिजाइन किया था हेनरी लैंचेस्टर ने, हु ड्र्यू आइडियाज फ्रॉम ट्रेडिशनल इंग्लिश गार्डन, जिसने पुराने इंग्लिश गार्डन से ये आइडिया लिया था और ये बना था 1929 में, ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था। और ये गार्डन है उमेद भवन गार्डन, उमेद भवन गार्डन। इट वॉज डिजाइंड बाय एम्परर औरंगजेब, इसे डिजाइन किया था एम्परर औरंगजेब ने। इट नाउ हैज अ जू, इट नाउ हैज अ जू, यहाँ पर अब एक जू है, चिड़ियाघर है, अ प्लांट नर्सरी है, अ जापानीज गार्डन और पिकनिक लॉन्स हैं। यहाँ पर आप पिकनिक भी मना सकते हैं। इसे कहते हैं हिमायत बाग। तो ये थी इंफॉर्मेशन तरह तरह के बागों के बारे में, गार्डन्स के बारे में। आप इसे अपनी बुक में लिखेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। तो कितने सुंदर सुंदर गार्डन हैं, और आप बताइए आप कौन कौन से गार्डन्स में जाकर घूमकर आ चुके हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है।